आज मैं आपके सामने अमिताभ बच्चन जी की कुंडली लेके आया हूँ। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1942 को प्रयागराज में हुआ और आज के ही दिन इनका जो है जन्मदिन है। मैं इनको जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इन्होंने बहुत सारे फिल्मों में काम किया और इन्हें जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और दादा साहब फाल्के पुरस्कार, फिल्म फेयर अवार्ड बहुत सारे इनको मिले। कला के क्षेत्र में पद्म श्री पुरस्कार मिला। इन्होंने बहुत सारे अभिनय किए। आखिर ऐसे क्या योग थे इनके कुंडली में जिसके कारण ये इतने बड़े सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बने, जानेंगे इनकी कुंडली के माध्यम से। यह है इनकी जन्म कुंडली। यहाँ देखिए कुंभ, कुंभ लग्न की कुंडली है जिसमें शनि लग्नेश है, केतु बैठे हुए हैं, राहु की दृष्टि पड़ रही है। शनि की दसवीं दृष्टि अपने ही घर में पड़ रही है, शनि की दसवीं दृष्टि अपने ही घर में पड़ रही है कुंभ राशि में। इस कारण जो है इनका जो है शनि की दशा स्टार्ट होते ही इन्होंने फिल्म में काम करना स्टार्ट किया और शनि इनके लिए बहुत ही शुभ रहे, शनि इनके लिए बहुत ही शुभ रहे और मतलब शनि के कारण ही तरक्की करते गए, क्योंकि लग्नेश है पूरे मतलब व्यक्तित्व के स्वामी, लग्नेश की दृष्टि अपने ही घर में पड़ रही है। इस कारण इनको शनि बहुत सपोर्ट किए और चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, इस कारण जहाँ बैठते उसको बाहर बढ़ा देते हैं। शनि कारण इनका बहुत अच्छा व्यक्तित्व रहा, बहुत सारा अभिनय किए। अब हम बात करते हैं इनके द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव में देखिए यहाँ मीन राशि है, मीन राशि के स्वामी जो है गुरु हैं, उच्च के होके छठम भाव में बैठे हुए। मीन राशि में देखिए सूर्य बुध मंगल शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। द्वितीय भाव जो है धन का ही भाव होता है, वाणी का ही भाव होता है। बुध की दृष्टि पड़ने के कारण, शुक्र की दृष्टि के कारण इनकी वाणी अद्भुत है, इनकी आवाज बहुत अच्छी है और धन भी इनके पास बहुत है। तो ये और साथ साथ में देखिए यहाँ पे गुरु की नौवीं दृष्टि अपने ही घर में पड़ रही है। मीन राशि में गुरु की नौवीं दृष्टि अपने ही घर में पड़ने के कारण इनका जो है इनकी इनका ये वाला भाव जो है काफी अच्छा हो गया। धन इनका बहुत अच्छा है, इनका जो है आवाज बहुत अच्छी है। अब हम बात करते हैं इनके तृतीय भाव की। तृतीय भाव में देखिए यहाँ पे मेष राशि है, मेष राशि के स्वामी मंगल बैठे हुए, मंगल की आठवीं दृष्टि अपने ही घर में पड़ रही है। मंगल की आठवीं दृष्टि अपने ही घर में पड़ने का इनका पराक्रम अद्भुत है, चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है तो इस कारण ये भाव भी इनका पराक्रम अद्भुत बता रहा है, बहुत अच्छा बता रहा है। चतुर्थ भाव की बात करेंगे। चतुर्थ भाव में देखिए यहाँ वृषभ राशि है, वृषभ राशि के स्वामी शुक्र जो है यहाँ नीच के होके नीच भंग राजयोग बना रहे। तो चतुर्थ भाव के जहाँ शनि बैठे हुए हैं, जहाँ बैठते शनि बढ़ा देते हैं सुख सुविधा, भूमि माता मकान, ये भाव बहुत अच्छा हो रहा। बात करते हैं इनके तृतीय छठम पंचम भाव की। पंचम भाव में देखिए यहाँ मिथुन राशि है, मिथुन राशि के स्वामी बुध जो है यहाँ उच्च के होके बैठ गए। छठम भाव रिसर्च का ही भाव होता, तो ये ज्ञान का भाव रिसर्च भाव में बैठ गए उच्च के होके। और बुध जो है वाणी के भी कारक है, गणित के भी, मतलब बहुत सारी चीजों के कारण यहाँ पे जो है ये वाणी से ये जो है इनका अद्भुत था इनका नॉलेज। बात करेंगे इनके जो है छठम भाव की। छठम भाव में कर्क राशि, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा यहाँ भाग्य में बैठे हुए हैं, गुरु बैठे हुए हैं उच्च के। गुरु जहाँ बैठते हैं उस भाव को कम कर देते हैं, उच्च के बैठे हुए हैं यहाँ रोग ऋण शत्रु को कम किया। शनि की दृष्टि जहाँ पड़ती है उस भाव की हानि होती है, तो वहां पे इस चीज को भी कम किया, शनि की दृष्टि ने भी कम किया, गुरु ने भी कम किया, रोग ऋण शत्रु जब भी आया उसको कम कर दिया। बिजनेस भाव की बात करते हैं। सिंह राशि है, सिंह राशि के स्वामी जो है सूर्य यहाँ पे अष्टम में बैठे हैं, इसलिए इस भाव की हानि हो गई। राहु बैठे हुए बिजनेस भाव में, तो ये भाव जो है इसकी हानि हो रही।
बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव में देखिए यहाँ पे कन्या राशि, कन्या राशि के स्वामी बुध अपने ही घर में बैठे हैं। सूर्य बुध बुद्धादित्य राजयोग बना रहे हैं, बुध शुक्र जो है लक्ष्मी नारायण को बना रहे हैं और शुक्र नीच का बुध उच्च के नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, मंगल बैठे हुए। ये भाव काफी उमदा हो गया, ये रिसर्च का भी भाव। बात करेंगे इनके भाग्य भाव में, तो भाग्य में देखिए चंद्रमा बैठे हुए तुला राशि में, इसके सामने शुक्र जो है कनिज भंग राजयोग हो रहा। इसके पहले मैं बता दूं कि सूर्य और शुक्र, शुक्र के निज भंग राजयोग के कारण ये अभिनय क्षेत्र में आए और इन शुक्र के कारण जो है अभी वर्तमान में इनकी शुक्र की दशा ही चल रही और शुक्र इनको काफी ऊंचाई तक पहुंचा रहा। बुध जो है वाणी का कारक है, शुक्र बुध का निज भंग राजयोग बन रहा। अब बात करते हैं भाग्य में देखिए, अब बात करते हैं कर्म भाव की, तो कर्म भाव में देखिए गुरु की जो है पांचवी दृष्टि पड़ रही है, शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो इस कारण जो है इनका कर्म भाव भी अच्छा हो रहा है। गुरु की दृष्टि, गुरु जहां दृष्टि डालते हैं उस भाव को अच्छा करते हैं, इसलिए कर्म भाव इनका अच्छा हो रहा है। बात करते हैं कि लाभ भाव की, लाभ भाव में देखिए धनुराशि, धनुराशि के स्वामी गुरु जो है इनके छठम भाव में उच्च के होके बैठ गए। और मंगल की दृष्टि पड़ रही, मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही, राहु की पांचवी दृष्टि पड़ रही, इसलिए इनका लाभ भाव भी अच्छा है। बात करते हैं इनके विदेश भाव की, देखिए वै भाव की, यहाँ पे जो है मकर राशि, मकर राशि के स्वामी यहाँ केंद्र में बैठे हुए चतुर्थ भाव में, तो ये भाव भी अच्छा हो रहा है। तो ये सारी जो है योग थे, अब हम जानेंगे इनके कुंडली में कुछ खास योग क्या क्या थे। सबसे ज्यादा खास योग था गुरु का अपने ही घर में दृष्टि डालना धन भाव में, मंगल का अपने ही घर में दृष्टि डालना तृतीय भाव में, बुध का स्वक्षेत्री होके बैठना नीच भंग राजयोग, सूर्य बुध बुद्ध बुद्धादित्य राजयोग, बुद्ध शुक्र लक्ष्मी नारायण योग, और शनि का जो है अपने ही जो है लग्न में दृष्टि डालना, अपने ही घर में दृष्टि डालना, दसवीं दृष्टि से अपने ही घर में देखना लग्नेश का। तो इनके लिए जो है लास्ट में शनि बहुत अच्छे हैं, बुद्ध बहुत अच्छे हैं और शुक्र बहुत अच्छे हैं, ये तीन ग्रह इनके लिए बहुत अच्छे हैं। गुरु भी उच्च के हैं और गुरु की धन भाव में दृष्टि पड़ रही, तो गुरु भी अच्छे हैं, गुरु की दृष्टि धन भाव में पड़ रही, तो इनकी धन बढ़ाने में गुरु का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये कुंडली थी श्री अमिताभ बच्चन जी की। दोस्तों इस तरह से आप अपनी भी कुंडली का एनालिसिस कर सकते हैं, और मैं आपके सामने एक नई नई कुंडली इसलिए लेके आता हूँ ताकि आपको सीखने का मौका मिले, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सकें। धन्यवाद दोस्तों।